हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पर। और आज फिर से मैं लेके आ चुकी हूँ बिग बॉस OTT 3 बिग सीजन 3 की न्यू अपडेट। तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ वीकेंड के वार की गुड न्यूज़ और अच्छी अच्छी ताज़ा खबर। तो आज है वीकेंड का वार और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ बना रहे हैं घर वाले नाश्ता अरमान मलिक और साई केतन। तो यहाँ अरमान मलिक साई केतन को बोलते हैं कि तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि जब भी सना सुल्तान के बीच कोई अगर टारगेट ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें और लेज़ी में से उसे किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली लेज़ी को सुनेगी और तुम्हें कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे ही देगी और बोल देगी कि वो कमज़ोर है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम अपने लिए लड़ सकते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ लेज़ी को, साई केतन को अरमान मलिक बोलते हैं और साई केतन भी उनकी हाँ में हाँ मिला के बोलते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो। उसके बाद साई ये बात जाके सना सुल्तान को बाहर आके बताते हैं। तो सना सुल्तान बोलती हैं, ये देखो कितना दोगला है ये अरमान, मैं इसको पहले बहुत अच्छा समझती थी लेकिन सच में एक औरत जैसा काम, जनानी जैसा काम करता है, उधर तुम्हें भड़काता है, इधर किसी और को भड़काता है और जनानी जैसा काम करता है और तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कान भर रहा है और तुम्हें भड़का ही रहा है। तो यहाँ साई केतन बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मुझे समझा रहे थे और बता रहे थे कि सना सुल्तान और लेज़ी में से किसी एक को, सना सुल्तान को नॉमिनेट करना होगा तो वो तुम्हें नॉमिनेट करेगी और तुम्हें टारगेट बनाएगी। तो यहाँ लेज़ी भी बोलते हैं हाँ बोल के। तो यहाँ सना सुल्तान बोलती हैं, हाँ मैं जानती हूँ तुमने उनकी हाँ में हाँ मिलाया होगा, तो उनके दुम हिलाते रहते उनके पीछे पीछे, तुम्हें सही गलत का पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे विशाल पांडे, लव कटारिया और सना मुकुल बैठ के कई बातें करती हैं, कई स्ट्रेटजी बनाती हैं और यहाँ बोलती हैं कि हो सकता है कि आज मैं जा सकती हूँ और मैं चली गई तो क्या होगा। तो यहाँ विशाल पांडे बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकती हो? तो सना मुकुल बोलती हैं, हाँ मे भी हो भी सकता है कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ और अगर मैं नहीं गई तो फिर मैं अब अपना अच्छे से गेम खेलूँगी, क्योंकि सबका चेहरा मेरे सामने बहुत अच्छे से आ चुका है। यहाँ पे फिर यहाँ पे अरमान मलिक साई केतन को फिर से वही स्ट्रेटजी समझाते हैं कि सना मकबूल किस टाइप की है और सना सुल्तान कैसी है, यहाँ पे लव कटारिया कैसा है, यहाँ तो यहाँ सब के बारे में वो बताते हैं। जो अजान शेख न्यू घर के मेंबर आए हैं उनके बारे में भी कई बातें बताते हैं, कई अपडेट देते हैं कि वो ऐसा है वैसा है और यहाँ साई उनकी बातें सुनता है और हमें हमलाता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अरमान मलिक जनानियों जैसे हरकतें काम कैसा क्यों कर रहे हैं घर में, इसके कान भरना, कभी उसके कान भरना, कभी दीपक जी के कान भरना, कभी सना सुल्तान के कान भरना, तो कभी लेज़ी के, कभी शिवानी के, कभी किसी के, मतलब औरतों जैसा काम कर रहा है बिल्कुल अरमान मलिक। उसके बाद यहाँ रणवीर जी किचन में अपना बर्तन साफ़ कर रहे होते हैं, साथ में लेज़ी होते हैं और बोलते हैं कि मुझे धीरे धीरे गेम समझ में आ रहा है। और यहाँ अजान शेख जो बाहर बैठी हुई है सना मकबूल के पास, विशाल पांडे के पास और लव कटारिया के पास जाके बैठे हुए हैं और बोलते हैं उनको कि मैंने आज एक चीज़ नोटिस की है, मैं जब से आया हूँ मैंने एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ। तो यहाँ सब घर वाले उनके पास बैठते हैं, पूछते हैं बोले कि यहाँ मैं सना सुल्तान को नोटिस कर रहा हूँ। सना सुल्तान जब मैं गया था उसके पास तो वो नॉर्मल बैठी हुई थी, मैं से बातें कर रही थी, जैसे ही मैंने बोला अरे लेज़ी भाई आ गए, तो वो उसका जो लहजा था, तरीका था बैठने का, बोलने का बिल्कुल बदल गया था, जैसे कि कोई पता नहीं कौन आ गया है। तो उसके मन में लेज़ी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग्स हैं, दिल में उसकी फीलिंग्स हैं और ये प्यार पनपने लगा है। बिग बॉस में ऐसा नहीं हो सकता कि हर सीज़न में कोई ना कोई एक कपल बनके ज़रूर जाता है, तो अभी तक तो यहाँ पे कोई कपल नहीं बना है, तो मे भी हो सकता है कि सना सुल्तान और लेज़ी भाई कोई कपल बन जाएं। उसके बाद वीकेंड के बार की तैयारी हो जाती है शुरू और यहाँ पे अनिल कपूर अपने दर्शन देते हैं। अनिल कपूर आते हैं और सभी घर वालों को बोलते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो और बहुत सुंदर लग रहे हो सब लोग। तो यहाँ सबका अच्छे से वेलकम करते हैं, सबको बहुत अच्छे से बुलाते हैं और यहाँ रणवीर जी से बोलते हैं कि रणवीर जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो रणवीर जी बोले हाँ,
तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं कि ये कपड़े मेरे नहीं हैं, मुझे गिफ्टेड आए हैं और किसी सहनाज ने भेजे हैं, तो हो सकता है शायद सहनाज जो डिज़ाइनर है उन्होंने भेजे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। तो यहाँ रणवीर जी से अनिल कपूर बोलते हैं कि जी हाँ, ये सहनाज ने ही भेजे हैं, लेकिन सहनाज डिज़ाइनर ने नहीं, सहनाज गिल ने भेजे हैं। तो रणवीर जी बोलते हैं, सहनाज गिल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरी दोस्त भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सहनाज गिल को रणवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनिल कपूर पूछते हैं, तो यहाँ पे अनिल कपूर पूछते हैं लेजी भाई से कि लेजी भाई आप बताइए आपके क्या हाल चाल है। और उनकी बात को सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि लेजी भाई बहुत ज़्यादा लेजी हैं और हमेशा इस तरह से सुस्त रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि वो खुश है कि दुखी हैं, नाराज़ हैं कि अपसेट हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है साई केतन पे, वो यहाँ रिमांड लेते हैं अनिल कपूर साई केतन की, बोलते हैं तुम ये बताओ कि यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड कौन है, दोस्त कौन है। तो यहाँ साई केतन बोलते हैं अरमान मलिक, कृतिका, रणवीर जी, दीपक जी और अजान शेख जो न्यू आए हैं वो, और सना सुल्तान, ये मेरे दोस्त हैं और लेजी भाई, ये सब मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ अनिल कपूर बोलते हैं क्या तुम कभी अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेते हो, तो बोले हाँ बिल्कुल। बोले कि जब एक झगड़ा हुआ था सना सुल्तान को लेके, अरमान मलिक ने कुछ बात बोली थी, उस वक्त तुमने सना सुल्तान का स्टैंड क्यों नहीं लिया था। तो यहाँ पे साई केतन बोलते हैं कि उस वक्त मैं दोनों को ही चुप करा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला अनिल कपूर जी ने कि जब लेजी ने सना सुल्तान का साइड लिया और तुम लेजी को ही चुप करा रहे थे, तो तुम लेजी को ही चुप करा रहे थे और सना सुल्तान को चुप करा रहे थे जब वो टारगेट हुआ था राशन वाला, और रणवीर जी ने और साई केतन तुम दोनों ने मिलके एक लड़की को दबाया था। उस टाइम पे क्या स्क्रीन पे शो हो रहा था कि तुम दोनों आदमी मिलके एक लड़की को दबा रहे हो उस राशन के लिए, और सारा ब्लेम उसी के ऊपर डाल दोगे कि तुम्हारी वजह से राशन नहीं आया, और वो लड़की चुप जाती है और अपना जो टारगेट, मतलब जो उसका मोटिव था लेजी को बचाने का, तो वो टारगेट बचा लेती है। उसके बाद इस बात पे बात आती है, फिर आती है नकल करने की, तो यहाँ सना मुकबूल की नकल करते हैं रणवीर जी। तो यहाँ सना मुकबूल पे आते हैं अनिल कपूर और यहाँ रणवीर जी को बोलते हैं कि यहाँ सना मुकबूल किस टाइप की लड़की हैं और मतलब क्या है, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, कैसी हैं, क्या हैं। तो ये बोलते हैं रणवीर जी आप बताइए। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं कि सना मुकबूल वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बनती हैं और बोलती हैं कि सिर्फ ट्रॉफ़ी मैं ही जीतूँगी, बिग बॉस की ट्रॉफ़ी मेरे ही हाथ में होना चाहिए, किसी लड़की को ही मिलनी चाहिए, किसी लड़के को नहीं, और ट्रॉफ़ी तो मेरी ही है, मेरे पास आएगी। और इनके पास जो तीन चार बंदे जो मुर्गे बैठते हैं वो सिर्फ इनको सुनते रहते हैं, और फिर भी पता नहीं क्यों इनके पास बैठते हैं जब उन्हें पता है कि ट्रॉफ़ी मेरे पास ही आनी है, मैं ही कैपेबल हूँ, बाकी सबको मुर्गा बना के रखा हुआ है। और जब ये कोई बात करती हैं, षड्यंत्र करती हैं, कब कोई भी बात करती अपने ग्रुप में बैठ के, तो बहुत धीमे धीमे बात करती हैं, और हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत लाउडली बात करते हैं जिससे सब लोग सुन सके, हम लोग चोरी चोरी बात नहीं करते, लेकिन ये जब बात करती बहुत धीरे धीरे करती हैं। और उसके बाद जब कोई गेम आता है, कोई टास्क आता है, तो उसमें बोलती है अपनी मेढक जैसी आंखें नीचे कर, अपनी शक्ल नहीं दिखा, तो इस तरीके से वो आउट ऑफ स्टैंड हो जाती हैं। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती, इनके दो दो फेस हैं। और तो यहाँ फिर आते हैं अनिल कपूर जी शिवानी कुमारी के पास और शिवानी कुमारी की तारीफ़ करके बोलते हैं कि शिवानी कुमारी आज तुम बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। रियल में वीकेंड के वार पे शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी ब्लैक सूट में। तो शिवानी कुमारी बोलती है थैंक यू सो मच सर। और यहाँ शिवानी कुमारी को बोलते हैं कि तुम ना मुझे ना सना मुकबूल सना सुल्तान के बारे में बताओ, क्या कहना चाहोगी और किस तरीके से आजकल वो चलती हैं, किस तरीके से उनका चाल चलन है इस घर में। तो यहाँ शिवानी कुमारी बोलती हैं कि सर वो सना जो मकबूल हैं, सना सुल्तान हैं, मुझे ना उनकी ना जो चप्पलें हैं उन वो समझ में नहीं आती, मुझे डर लगता है कहीं इन चप्पलों की वजह से वो गिर ना जाएं, गिरेंगी वो धक्का हमें लगेगा, डर हमें लगता है कहीं वो गिर ना जाएं, उनके चोट ना लग जाएं, क्योंकि भाई हम तो ऐसी चप्पलें नहीं पहन पाते हैं और ना हमने कभी पहनी है, हमें इनकी चप्पलों को देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इनकी चप्पल इतनी बड़ी बड़ी हील की हैं।
जब टास्क भी हुआ था मोबाइल वाला, तब भी मैंने उसे बोला था अपने सैंडल उतार दो, तो बोलती नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ अनिल कपूर जी बोलते हैं शिवानी को कि शिवानी मुझे ना तुम ना चल के बताओ कि सना जो सुल्तान है वो हील पहन के कैसे चलती हैं। तो यहाँ शिवानी कुमारी उनको चल के बताती हैं और स्टाइल मार के बताती हैं। तो यहाँ अनिल कपूर बोलते हैं कि वो वाली नज़ाकत बताओ जो नज़ाकत तुमने पहले बताई थी सबको। तो फिर बोलती ठीक है हमें अपनी जूती उतारनी पड़ेंगी क्योंकि हम खाली पैर में बहुत अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे। तो यहाँ बोलती हैं कि ये देखिए नज़ाकत में हूँ मैं, नज़ाकत वाली परी हूँ, तो इस तरीके से एक्टिंग करके बताती हैं। फिर रणवीर जी को भी बोला जाता है कि आप भी बताइए कि सना जो मुख सुल्तान है वो किस तरीके से चलती हैं हील पहन के पूरे दिन, मतलब नाइट सूट हो, मॉर्निंग टाइम हो, इवनिंग टाइम हो, टास्क हो, सब में हील पहन के। तो रणवीर जी ने भी काफ़ी अच्छी नकल की थी यहाँ पे सना मकबूल की। उसके बाद बात आती है यहाँ रणवीर जी की नकल की। तो यहाँ पे शिवानी को बोलते हैं अनिल कपूर जी कि तुम मुझे ना रणवीर जी की नकल करके दिखाओ कैसा क्या हुआ था। तो यहाँ शिवानी बोलती है कि वीकेंड के वार में जो खाना आता है, रणवीर जी काफ़ी सारा खाना है जो रखे रहते हैं, नेक्स्ट का खाते रहते हैं, उन्हें भूख लगती रहती है, सेव करके रखते हैं। और उस दिन अरमान मलिक जी का जो खाना था चिकन थे उसके 3 पीस बचे हुए थे और उन्होंने वो जो था उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ पर पॉलिथीन में डालते ही रणवीर जी पूछते ये किसका था ये 3 पीस। तो शिवानी कुमारी बोलते सना मुकुल बोलती हैं कि अरमान जी का था। तो बोलते अरे अरमान तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि 3 पीस मुर्गे किस में रखे हुए हैं, मैं खा लेता। सुनो अरमान जब भी तो कोई कुछ नहीं खाया करे तो मुझे बता दिया करो, मैं खा लिया करूँगा। ऐसे खाने को वेस्ट मत किया करो, स्पेशली फॉर मटन चिकन को वेस्ट मत किया करो। तो इस तरीके से वो रणवीर जी की नकल उतार रही थी शिवानी कुमारी। तो यहाँ अनिल कपूर बोलते हैं रणवीर जी से आप बताइए कि आप किस तरीके से शिवानी कुमारी को जवाब देते। शिवानी कुमारी जवाब से पूछती कि हमें दे दिया करो थोड़ा बहुत। तो रणवीर जी बोलते हैं मैं अपने स्टाइल में बोलता कि हमको नहीं हो पाएगा, हम भूखे मर जाएंगे, हम ना ही दे पाएंगे। तो यहाँ रणवीर जी भी शिवानी की आवाज़ में नकल उतार के उनकी हंसी करते हैं। इसके बाद दोनों में इसी तरह से हंसी मजाक होता है और दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है रणवीर जी और शिवानी कुमारी की। पहले काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे तो इस चीज़ पर अनिल कपूर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि शिवानी कुमारी और रणवीर जी के पहले इतने सारे झगड़े हुआ करते थे, अब इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे रणवीर जी अनिल कपूर जी बोलते हैं शिवानी को तो मुझे ना जो लेज़ी भाई है उनकी नकल करके दिखाओ कि कौन है लेज़ी भाई, कैसे हैं, क्या करते हैं। तो ये शिवानी कुमारी बोलती हैं एक दिन हम लोग नाइट में सो रहे थे, शुक्रवार का दिन था, हम लोग सो रहे थे रात में, लेटे हुए थे। तो यहाँ पे लेज़ी भाई आते हैं सेव लेके हाथ में, 11:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ मैं, लव कटारिया और विशाल पांडे हम तीनों भाई बहन बैठ के लेटे हुए थे और बैठे थे, मैं अपने बेड पे थी। तो यहाँ लेज़ी भाई आते हैं एप्पल लेके और हाथ में बॉटल लेके। तो हमने ये सोचा कि शायद वो हम लोगों से पूछेंगे कि खाओगे क्या, लेकिन उनका अंदाज़ ही बहुत डिफरेंट था, एकदम लेज़ी होके आए, घूर घूर के देखने लगे और एप्पल लेके आए, सीधे बैठ गए, सीधे लेट गए बेड पे और जाके अपने एप्पल को खाने लगे। इधर नज़र घुमाते, कभी उधर नज़र घुमाते, कभी इधर नज़र घुमाते, कभी उधर नज़र घुमाते, लेकिन उन्होंने हम लोगों से नहीं पूछा। उस वक्त हम लोगों को बहुत हंसी आई थी नाइट के टाइम पे कि लेज़ी भाई को रात के 11:30 बजे भूख लगती, 11:30 बजे भी उनको भूख लगती है और खाते हैं, वो किसी से पूछते भी नहीं है कि किसको क्या खाना है, किसको खाना है कि नहीं खाना है। उसके बाद यहाँ शिवानी कुमारी बोलती हैं कि इनकी एक एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा और अच्छी लगती है, सुबह की टाइप की। सुबह उठते हैं ये, हाथ में बॉटल लेते हैं अपनी और बॉटल लेके नज़र घुमा के पूरे गार्डन एरिया में, पूरे लिविंग एरिया में, किचन में, सबको घूर घूर के देखते रहते हैं। हमें उनका ये अंदाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अनिल कपूर और सभी घर वाले बहुत ज़ोरों शोरों से शिवानी कुमारी की एक्टिंग पर हंसने लगते हैं कि वाह शिवानी तुम तो सबकी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब व मज़ेदार कर रही हो। तो इस बार वीकेंड के वार पे ना शिवानी पर बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ी है और शिवानी कुमारी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है क्योंकि शिवानी कुमारी को भी काफ़ी सारे गिफ्ट मिले हैं। और उसके बाद यहाँ आते हैं अनिल कपूर सना सुल्तान के पास, बोलते हैं सना सुल्तान तुम्हारा आला इतना ज़्यादा तो बिग बॉस भी फेमस नहीं है, कोई फेमस नहीं है दुनिया, इतना तुम्हारा आला ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो यहाँ पे मैं तुमसे आज ना उर्दू के कुछ शब्द पूछना चाहूँगा, कुछ शब्द मैं बातें करना चाहूँगा, क्या तुम मुझे उनका आंसर दे पाओगी। तो यह सना सुल्तान बोलती है बिल्कुल ऑफकोर्स मैं ट्राई करूँगी।
लेकिन उससे पहले अनिल कपूर बोलते हैं टास्क हो जाए तो वो टास्क था लूज़र का। तो यहाँ पे सभी घर वालों को अकॉर्डिंग कौन सबसे ज़्यादा लूज़र है तो वो टैग देना है। तो रणवीर जी ने यहाँ पे लव कटारिया को लूज़र का टैग दिया है और रीज़न देते हुए, सबको रीज़न देते हुए अपने एक किसी को लूज़र बताना है। तो शिवानी कुमारी ने यहाँ पर लेज़ी भाई को लूज़र बताया क्योंकि वो लेज़ी हैं, किसी काम में आलस करते, कोई काम नहीं करते, तो इनके हिसाब से वो लूज़र हैं। तो शिवानी कुमारी ने लूज़र का जो टैग था लेज़ी भाई को पहना दिया है। उसके बाद लव कटारिया ने लूज़र का टैग दिया था साई केतन को रीज़न बताते हुए। सबके अपने अपने इंटेंशंस थे, सबके अपने अपने इम्पैक्ट थे, सबके अपने अपने थॉट थे, उनके अकॉर्डिंग सबने लूज़र का टैग दिया। उसके बाद आता है सना मुकबूल की बारी। तो सना मुकबूल बुलाती हैं साई केतन को और अपने रीज़न और इम्पैक्ट देते हुए साई केतन को लूज़र का टैग पहना देती हैं। तो यहाँ विशाल पांडे बुलाते हैं यहाँ पे अरमान मलिक को, क्योंकि उन्हें उनकी जो भी रीज़न थे उन्होंने अपने रीज़न दिया और अरमान मलिक को लूज़र का टैग दे दिया। उसके बाद जो रियाज शेख हैं उन्होंने लूज़र का टैग दिया है दीपक भाई को। और यहाँ पे फिर लेज़ी भाई के बारी आती है तो लेज़ी भाई बुलाते हैं शिवानी कुमारी को। तो लेज़ी भाई लूज़र का टैग देते हैं, शिवानी कुमारी को टैग देते हैं। लेकिन लेज़ी भाई का जो रीज़न था मुझे बिल्कुल बकवास लगा, कोई रीज़न नहीं था और बिना बात के उन्होंने शिवानी को लूज़र का टैग दिया। उसके बाद यहाँ पे सब लोगों ने एक दूसरे को टैग देते हुए टास्क कंप्लीट किया। तो फाइनली जो टास्क था उसमें जो सबसे ज़्यादा लूज़र के वोट मिले हैं वो मिले हैं लव कटारिया को और साई केतन को, कि घर वालों के अकॉर्डिंग साई केतन और लव कटारिया सबसे ज़्यादा बड़ी लूज़र हैं। उसके बाद यहाँ बात होती है सना मुकबूल पर और आज़ाद शेख पर। तो यहाँ सबसे पहले अनिल कपूर डांटते हैं विशाल पांडे को, रोक के बोलते हैं कि विशाल पांडे ये बताइए आप नर्वस हो? तो विशाल पांडे बोलते हैं नहीं। तो यहाँ विशाल पांडे अनिल कपूर का जवाब देते हैं, बोलते हैं कि नहीं सर मैं नर्वस नहीं हूँ। तो यहाँ वो बोलते हैं कि तुम ये बताइए, ये हर मैं एक महीने से तुम्हें देख रहा हूँ, हर वीकेंड बार पर तुमसे मिलता हूँ, देखता हूँ, ये चीज़ नोटिस की है मैंने, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम बार बार पैरों की तरह से शेक क्यों करते हो? तो यहाँ विशाल बोलते हैं कि मेरी हैबिट है और ये बहुत गंदी हैबिट है। तो यहाँ अनिल कपूर बोलते हैं कि नेशनल टेलीविज़न पर ये इस तरीके से हैबिट को शो कर रहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सो प्लीज़ चेंज इट। उसके बाद यहाँ पे चेंज बोलते हैं विशाल पांडे। उसके बाद आते हैं आज़ाद शेख पर और उन पर काफ़ी सारी बातें होती है, मेन टॉपिक आज सर्वी सबके सामने आता है। तो यहाँ आज़ाद शेख ने कई बार फटकार लगाई, आज बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है अनिल कपूर जी ने, बोला गया था। तो यहाँ अनिल कपूर इजाज़ शेख को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया था और तुम यहाँ मतलब किस काम से आए थे? तुमने यही बोला था यहाँ के, तुमने कई वादे किए थे स्टेज पे आके, कई ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था और तुमने बोला भी था कि मैं वहाँ अपने दोस्त के साथ, मेरे दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है मेरे दोस्त विशाल पांडे का, और वहाँ पे तुम उसके साथ दोगे, उसको रास्ता दिखाओगे, उसको राह दिखाओगे। लेकिन यहाँ अंदर आते ही तुम बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो गए और यहाँ सब घर वालों से पूछा भी गया था कि क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या अजान जो शेख हैं उनका क्या इम्पैक्ट है इस घर में? तो सभी घर वालों ने हाथ उठा दिया कि इनका हमें कोई इम्पैक्ट नहीं लगता है। तो यहाँ अनिल कपूर जी पूछते हैं उनसे कि जब तुम्हारा इस घर में कोई इम्पैक्ट लगता ही नहीं है तो तुम्हारा होना या ना होना इस घर में क्या मतलब है? तुम यहाँ सिर्फ बाहर की बातें करने के लिए आए थे कि क्रिकेट में क्या हुआ था, न्यूज़ में क्या हुआ था, कौन वहाँ क्या दिख रहा है, तो किसको किसको तुमने सलाह दी थी? तो यहाँ लेज़ी भाई बोलते हैं कि मुझे ये सलाह दी थी कि तुम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली दिखो, तुम बहुत ज़्यादा वीक दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी टाइप के दिख रहे हो, थोड़ा सा अपना कंटेंट बताओ, कंटेंट दिखाओ, ये चीज़ें मेरे को सलाह दी थी। और शिवानी कुमारी को वो बोलते हैं आके कि तुम वहाँ बिल्ली लग रही हो बाहर और सबसे लड़ती रहती हो, नोचती रहती हो, इस तरीके का इम्पैक्ट उन्होंने, इस तरह की सलाह उन्होंने शिवानी कुमारी को दी थी। और यहाँ पे सना मुकबूल को भी उन्होंने बोला था कि तुम थोड़ा सा दोगलापन दिख रही हो वहाँ पे, तुम थोड़ा सा ये करो, थोड़ा सा मतलब ही दिख रही हो, तुम थोड़ा सा चेंज करो अपने आप में। और विशाल पांडे से पूछता, विशाल पांडे मुझे उन्होंने कोई सलाह नहीं दी, बट बोला था कि थोड़ा सा तुम अपना गेम सही करो और गेम अच्छे से खेलो, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा गेम।
और यहाँ अजान जो शेख थे वो विशाल पांडे का साथ देने के लिए आए थे, लेकिन घर के अंदर आते ही उलट हो गया गेम और बोलते हैं कि लव कटारिया को सुधारने के लिए आए थे। तो लव कटारिया ने उन बोला, अंदर आके बोलते हैं कि अरे वो तो मेरे विशाल पांडे का मेरे दोस्त का दोस्त है, तो चलो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ और कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाते हैं। तो यहाँ अजान शेख का घर के अंदर आते ही खेल पलट हो गया और वो घर के अंदर नहीं, अंदर मतलब उनको 4-5 दिनों के, लेकिन घर के अंदर का मेंबर नहीं बन पाए, बाहर के मेंबर ही होकर रह गए बाहर की बातें करना। तो अरमान मलिक से भी पूछा जाए तो अरमान मलिक बोलते हैं हाँ बाहर की कई सारी बातें मेरे बारे में खुलासा किया, कभी किसी के बारे में, कभी किसी बाहर की बातों को लेके आते हैं। और झगड़ा जब मेरा और सना मकबूल का, सना सुल्तान का था, मेरा था और लीजी का था, हम तीनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो इनको बीच में आना नहीं चाहिए था और बीच में आके इन्होंने गलत बातें की थी। तो ये था आज का वीकेंड का बार, फिर मिलेंगे हम वीकेंड के बार 2 कल, कल फिर से वीकेंड का बार है, तो हम कल मिलते हैं एक न्यू खबर के साथ। तब तक